कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और इसी बेहतरीन कहावत को गुरुग्राम के रहने वाले उमेश रहेजा नाम के युवक ने सार्थक कर दिखाया। दरअसल बीते कुछ दिनों से अस्पताल के बाहर कोरोना संक्रमित मरीजों को गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए इंतजार करते हुए देखा गया। बस इसी को देखते हुए साइबर सिटी के उमेश रहेजा ने कार की बैटरी के 12 वोल्ट के बैकअप को इन्वर्टर को जोड़ उसे 220 वोल्ट में तब्दील कर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को ऑन कर घंटों का बैकअप मुहैया करवा दिया। वहीं इस मामले में उमेश रहेजा की माने तो अब ना एम्बुलेंस चालकों को लाखों हजारों रुपए देने की जरूरत है, बल्कि किसी भी गाड़ी में यह सिस्टम लगा आप संक्रमित मरीज को बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। पेशे से इंजीनियर उमेश रहेजा की माने तो वे हिमाचल सरकार को हाइड्रो पावर के तहत बिजली मुहैया करवा रहे हैं, और इसी के चलते वे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाने का भी शौक रखते हैं। ऐसे में वहाँ बिजली ना होने की स्थिति में वे ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर लैपटॉप और भी अन्य जरूरी बिजली के उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली रीज़न यही है जी, मेरा एक दोस्त अभी उनकी मम्मी को ऐसे प्रॉब्लम आई और उनको जिस भी हॉस्पिटल में फ़ोन करो ये बोलते थे कि आप हॉस्पिटल के बाहर ले आइए, जैसे ही हमारे को बेड मिलेगा हम उनको ट्रीट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो उनको लेके जाते, उनके पास सिलेंडर छोटा सा है, सिलेंडर मुश्किल से चलता है 3-4 घंटे, उसके बाद अगर कोई सिलेंडर ख़त्म हो गया, ना आप घर के रहे ना आप हॉस्पिटल में आपको बेड मिले, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने एक आइडिया सोचा कि ये तो चीज़ें हमारे पास घर पे ही हमारे पड़ी है, एक इन्वर्टर आपका नॉर्मल वाला जो है सिंगल बैटरी वाला, मैंने वो लिया, उसको मैंने अपनी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट किया, क्योंकि एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का होता है और हमारी गाड़ी की बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है, तो अगर हम उसको सही तरह कनेक्ट करें तो वो इन्वर्टर एक बेसिकली उसी बैटरी से आपको बैकअप दे सकता है, और इन्वर्टर 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे आप अपना कॉन्सेंट्रेटर अपनी गाड़ी में भी चला सकते हैं। तो मेन टेक्निकल पॉइंट पे यही सोच के मैंने इन्वर्टर को अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और जब उसको कनेक्ट करने के बाद इन्वर्टर में पावर आ गई, इन्वर्टर को जो आउटपुट है उसका मैंने कॉन्सेंट्रेटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और कॉन्सेंट्रेटर मेरा चल पड़ा। अब मैं गाड़ी मोबाइल है, मैं पेशेंट को लेकर कहीं भी जाऊं, चाहे 6 घंटे चाहे 2 दिन खड़ा रहूं, लेकिन मैं वहां पे पेशेंट को, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट रखनी है, मेरा कॉन्सेंट्रेटर चलता रहेगा, मेरा पेशेंट ठीक हालत में रहेगा, प्लस अगर आप चाहो तो गाड़ी का एसी भी ऑन कर सकते हैं ताकि तब तक पेशेंट को हॉस्पिटल की सुविधा ना मिले तब तक वो उसको जो बेसिक नीड है ऑक्सीजन की वो उसको कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू मिल जाए। प्लस एक फ़ायदा ये भी रहता है, बाई चांस पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है तो डॉक्टर को बोल सकते हैं 2 मिनट बाहर आके देख लो, ठीक है बेड नहीं मिल पा रहा, हम सब समझ रहे हैं कि बेड की प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर भी पूरा ट्राई कर रहे हैं, तो मे बी वो जो उसको फर्स्ट पॉइंट चाहिए पेशेंट को उस वक्त वो शायद उसको मिल सके और उसकी जान बच सके। मेन तो मेरे दिमाग में यही था और उससे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को शायद बेनिफिट हो। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।